सोलवेंट स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आप लोग बहुत ही शानदार अपडेट लेकर आया हूँ। वो अपडेट क्या है दोस्तों कि अगर आप चैनल पे अपना खुद का वीडियो छोड़ते हैं तो आपको सिक्योर रहने की आवश्यकता है, अगर आप दूसरे का वीडियो छोड़ते हैं तभी भी आपको सिक्योर रहने की आवश्यकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब की ओर से गलती हो जाता है, कभी कभी देखे होंगे कि किसी का चैनल डिलीट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यूट्यूब की गलती की वजह से डिलीट हो जाता है चैनल, तो आपको इसमें सिक्योर रहने की आवश्यकता है। और इसके लिए, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप दूसरे का किसी का वीडियो छोड़ते हैं तो आप अपने उस पर रिस्क लेकर के छोड़ते हैं कि चलो भाई चैनल डिलीट हो जाए तो कोई बात नहीं है, मैं दूसरा फिर से चैनल बना लूँगा, अगर नहीं डिलीट हुआ मैं इस पर अपने इस वीडियो को छोड़ के डिलीट करके दूसरा वीडियो मैं अपलोड करूँगा और मैं अपना खुद का वीडियो बनाते बनाते मैं अपना सब्सक्राइबर सब कुछ गेन करूँगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप खुद का वीडियो बनाते हैं और कहते नहीं कि मेरा चैनल डिलीट हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए जब भी आप अपना चैनल का लिंक क्या करना है, उस लिंक को अपने नोट्स में आपको कॉपी करके रख लेना है। नोट्स में आपको जाएंगे तो आप सभी के मोबाइल में आपको नोट्स देखने को मिलेगा, आपको URL कॉपी करके रख लेना है। और अगर आपके पास दो मोबाइल है तो उसमें भी आपको कॉपी करके रख लेना है। दोस्तों भगवान ना करे कि आपका चैनल डिलीट हो, कोई भी मेहनत से बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता है, मैं भी जैसे मेहनत से मैं एडिटिंग करता हूँ, तो ऐसे में अगर किसी का चैनल डिलीट हो तो बहुत ही उसको दिल पे लगेगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे आपको अपने चैनल को सेव, दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको अपने YT स्टूडियो में चले जाना है। चले जाने के बाद आपको अर्न में चले जाना और नीचे आपको स्क्रॉल करके जाना और नीचे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको ऑन करके रख लेना है। मैं एक वीडियो इस पर अपलोड कर दूँगा पूरा कि कैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन करना है। और तीसरा आपको क्या करना है दोस्तों कि इस ये वाला सबसे ज़्यादा मेन है, आपको क्या करना है कि जितने भी आपका जीमेल अकाउंट है उसको कॉपी में, आपको किसी भी कॉपी में जो आपकी छोटा डायरी हो उसमें आपको नोट करके पूरा उनका नंबर पासवर्ड जितना भी हो सके, जो भी इंस्टाग्राम फेसबुक जितना भी पासवर्ड हो उसको अलग से एक डायरी बना के आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है या कोई भी आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके द्वारा आप लॉगिन दूसरे मोबाइल में कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अभी तक इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के बहुत ही शानदार वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा।